हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद काफिया तो कैसे हैं आप, आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्टी से आलू गोश्त के सालन की रेसिपी ये जो है बहुत जल्दी ये सालन बन के तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा खाने में मज़े का लगता है इतना इंस्टेंटली बन जाता है ये तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए मैंने कुकर लिया है इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल तो यहाँ पर जो है मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ इससे जो है इसका ज़ायका बहुत अच्छा आता है सालन का फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर खड़ा गर्म मसाला तो तीन मैंने लौंग ली है एक बड़ी इलायची एक जावित्री का टुकड़ा और एक मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा लिया है साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी दो तेज़पात के पत्ते इनको जो है ऑयल में डाल देना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है एक चम्मच इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी मैं इन सारी चीज़ों को जो है गोल्डन होने तक फ्राई कर लें या फिर जब तक इसमें से एक अच्छे से स्मेल नहीं आती जब तक इसको फ्राई कर लें अच्छे से फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोश्त तो यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से इसको धो लिया था और मैंने इसको जो है ये सारे तेल में डाल दिया है और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी अब मैं तेल में इसको जो है तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है चेंज नहीं हो जाता इसको फ्राई करने से इसका जो स्मेल होती है वो भी निकल जाएगा टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये जो है फिफ्टी परसेंट या फोर्टी परसेंट तक कुक भी हो जाएगा अच्छे से तो इसलिए इसको ऐसे फ्राई करके बनाएं तो यहाँ पर देखिए एक से दो मिनट हो गया मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है बस इतना कलर लाना है आपको फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो यहाँ पर जो है दो चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फिर मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज पिसी हुई तो यहाँ पर जो है मैंने तीन मीडियम साइज़ की प्याज़ को अच्छे से पीस लिया है और वो मैं इसमें डाल दूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है आप चाहें तो प्याज को यहाँ पर कट करके भी डाल सकते हैं और अब मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं और इसको कुछ देर जो है गोश्त को यहाँ पर इसके साथ पका लेना है लहसुन अदरक और प्याज के साथ पकाने जो है इसकी और स्मैल निकल जाएगी फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ मसाले तो एक से दो मिनट पका लिया मैंने इसको और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले तो डेढ़ चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर अगर आप इसमें हरी मिर्च ऐड करें तो रेड चिली कम यूज़ कर सकते हैं फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक जो नमक मैं आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ आपको जितना खाना पसंद हो उसके हिसाब से तीखा रख सकते हैं और इसमें नमक डाल सकते हैं अपने हिसाब से फिर देखिए मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है सारा मसाले के साथ गोश्त को और इसको कुछ देर ऐसे ही भून लूँगी इसके साथ ताकि जो ये मसालों का कच्चापन है वो निकल जाए और थोड़ा सा जो है मसाला अच्छे से भुन जाए फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी क्योंकि अभी गोश्त जो है बिल्कुल कच्चा है तो उसको उगलाना भी है तो इसलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें तो दो कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि अगर हम इसमें सीटी लगाएंगे तो जले ना अब मैं इस पर ढक दक दूँगी ढक्कन और इसमें जो है तीन से चार सीटी लगा लूँगी इसमें जो है सीटी आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर लेनी है ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं लगानी और जो है नीचे से ये जल जाएगा अब देखिए तीन से चार सीटी इसमें आ गई हैं मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा इसमें पानी बजाया है, तो इसको तेज़ आंच पे करके भून लें ताकि ये मसाला जो है अच्छे से भुन जाए फिर मैं इसमें जो है आलू गोश्त के लिए जितना मुझे शोर रखना होगा उतना रख लूँगी और अभी आप देखें यहाँ पर जो है ये अच्छे से गल तो गया लेकिन अच्छे से भुना नहीं है अभी गोश्त पूरे तरीके से तो इसलिए मैं इसको हाई फ्लेम पर मैंने कर दिया है और इसको अच्छे से यहाँ पर भून लूँगी जब इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो ये जब अच्छे से भुनेगा फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको एक से दो मिनट हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है और यहाँ पर देखिए सारा ऑयल जो है इनने ऊपर रिलीज़ कर दिया है और जो सारा मसाला है वो भी अच्छे से भून चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू तो यहाँ पर जो है दो बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं उनको मैंने अच्छे से लंबी लंबी शेप में कट कर लिया है आपको जो भी शेप पसंद हो आप वैसे के इसको कट कर, कर सकते हैं और मैंने इनको अच्छे से यहाँ पर धो भी लिया जब इसको अच्छे से कट किया है फिर देखिए मैंने इसको डाल दिया है मसाले में और इसको कुछ देर जो है ऐसे मसाले के साथ पका लूँगी फिर जितना आपको इसमें शोर रखना होगा उसके हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं जितना आपको गाढ़ा पतला चाहिए हो उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं लेकिन कुछ देर जो है आलू को पहले इस तरीके से पका लें ताकि उनमें जो है एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए और कलर भी उनका अच्छा आ जाए इसलिए कुछ देर ऐसे पका लें तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कुछ देर पका लिया है ऐसे ही एक से दो मिनट तकरीबन और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी तो जितना आपको गाढ़ा पतला रखना हो उसके हिसाब से आप इसमें शोरवा रख सकते हैं तो मैंने जो है एक गिलास पानी सिर्फ ऐड किया है इसमें और इसको डाल के जो है यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें जो है मैं एक सीटी लगा लूँगी क्योंकि आलू जो है बिल्कुल भी गले हुए नहीं हैं तो मैं सिर्फ़ इसमें एक सीटी लगाऊँगी और एक सीटी के बाद इसको खोल दूँगी हल्की आँच पर या तेज़ आँच पर आप कैसे भी लगा सकते हैं फिर देखिए मैंने यहाँ पर इसको खोल दिया है ढक्कन को और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कितने बड़े तरीके से सालन बन के रेडी हुआ है और यहाँ पर जो है आप शोरबे की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं ना तो ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी और आप अपने हिसाब से इसको रख भी सकते हैं और आलू भी जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर गल चुके हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा धनिया मैंने कट करके कर रख लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया डालने से देखने में भी अच्छा लगता है और ये खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका धनिया से तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है और ये लीजिए हमारा आलू गोश्त का सालन जो है बेहतरीन सा बन के रेडी हो चुका है इसको आप भी एक बार जरूर ट्राई करें बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है इसको बनाना तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपने इसको ट्राई किया या नहीं आपको ये रेसिपी कैसे लगी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेस्टी रेसिपीज़ के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो